पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही चुनावों के दौरान हिंसक तस्वीरें सामने आती रही हैं। ममता सरकार पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। हालांकि ममता हमेशा से ही बंगाल में घटित हर घटना का जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताती आई है। एक बार फिर से चुनावी माहौल है। दरअसल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बंगाल सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया है। बंगाल सरकार ने कहा, हम सुरक्षा के लिए तैयार। कोर्ट ने वर्तमान जमीनी स्थिति के बारे में पूछा तो राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, करीब सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं, हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निष्पक्ष चुनाव का सवाल ही नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि हाई कोर्ट ने आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। इतिहास के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है तो वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाए। उनकी हत्याएं हो रही है तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि खुद आपकी जानकारी के अनुसार भी आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है और आप अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स मंगाने की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों से पुलिस मांगने की जगह केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की बात कही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ जरूरत का आंकलन कर सुरक्षा बल की जरूरत की जानकारी राज्य सरकारों को देती है और राज्य सरकार सुरक्षा बल मुहैया कराती है। सुवेंदु अधिकारी के वकील ने भी रखा पक्ष। याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने कहा कि अगर राज्य सरकार ये मानकर चल रही है कि केंद्र सुरक्षा बल कोई आक्रमणकारी सेना है तो इस माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता। ये समस्या परे है कि राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ याचिकाकर्ता क्यों है। सालवे ने कहा कि राज्य सरकार चाहती नहीं कि निष्पक्ष चुनाव हो, उसकी मंशा ही नहीं है, वो रोड़े डाल रही है। अब देखना ये है कि हिंसा पर काबू हो पाता है या नहीं और निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं या नहीं।